वेलकम टू आवर क्लासेस, जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश, आज आपके लिए थर्सडे अप्रैल 12 का एडिटोरियल लेके आया हूं द हिंदू का। और आइए देखते हैं द हिंदू में आज का टॉपिक क्या है। एंड टू कैटल कर्व्स मींस कहने का, एंड मतलब समाप्ति, टू कैटल कर्व्स जानवरों की रोकथाम, जानवरों का जो आवागमन व्यापार चल रहा था इस पर जो रोकथाम थी उसकी समाप्ति हो गई। मतलब अब रोक क्या है, या तो थोड़ा डायल्यूट कर दी गई है या तो फिर रोक दी गई है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं टॉपिक, पता लगेगा क्या कैसे क्या चल रहा है। तो इसकी जो हेडिंग पे डिस्क्रिप्शन दिया है, द विथड्रॉल ऑफ इल-कंसीव्ड रिस्ट्रिक्शन। विथड्रॉल मतलब वापसी या फिर खारिज पर आप कह सकते हो, वापसी ऑफ इल-कंसीव्ड बैडली प्लान्ड बुरे तरीके से नियोजित रिस्ट्रिक्शंस मतलब निषेधों का, किस पर? ऑन लाइव स्टॉक ट्रेड मींस कहने का पशु के व्यापार पर। पशु के व्यापार पर जो बुरे तरीके से बुरे ढंग से नियोजित कानून कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, इज वेलकम, वो क्या उसका स्वागत है और उनकी वापसी का स्वागत है। मींस कहने का कि पूरे तरीके से जो पशु व्यापार पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनकी वापसी मतलब उनको खारिज किया जा रहा है, इज वेलकम, इसका स्वागत है। अब क्या मतलब ये जो पुराने रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि भाई हमारा ट्रेड मतलब पशु कोई बेचेगा नहीं है ना, स्लॉटर हाउस में क्या बैन लगा, ये सब चीज़ें कि पशुओं का सेफ पे बैन लगा, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट थोड़ा डायल्यूट कर रही है या फिर कहते हैं कि रूल्स को चेंज कर रही है, तो इसका क्या है, लोग स्वागत कर रहे हैं, वो चीज़ इन्होंने कहा है। आइए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो गुड सेंस अपीयर्स टू हैव प्रिवेल्ड एट लास्ट। गुड सेंस अच्छी भावना, अच्छा भाव अपीयर्स टू भी ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव प्रिवेल्ड एट लास्ट अंतिम रूप से बना हुआ है। प्रिवेल मतलब क्या होता है, प्रिवेल मींस होता है व्याप्त, मतलब एट लास्ट अंतिम रूप से अभी भी व्याप्त है। मींस कहने का जो सद्भावना है, अच्छा भाव है, वो वास्तव में अभी भी व्याप्त है। विद अ फ्रेश सेट ऑफ ड्राफ्ट रूल्स के साथ, किसके, अ फ्रेश सेट ऑफ ड्राफ्ट रूल्स प्रारूप नियमों के प्रारूप का नया सेट, नया कलेक्शन किसके लिए, टू रिप्लेस लास्ट ईयर्स पुअरली कंसीव्ड वंस, पिछले वर्ष के जो बुरे ढंग से नियोजित नियम है उनके उनको बदलने के लिए एक नया प्रारूप, नए नियमों का प्रारूप इसके साथ क्या है, सेंटर हैज सॉट, केंद्र ने प्रयास किया है, टू विथड्रॉ द बैन, बैन को वापस लेने का, जो बैन बंदी की थी उसने उसको वापस लेने का, किस चीज पर, ऑन द सेल ऑफ कैटल मतलब जानवरों की बिक्री पर, और जानवरों की बिक्री पर क्या, फॉर स्लॉटर इन एनिमल मार्केट्स मींस कहने का एनिमल मार्केट पशु बाजार में स्लॉटर उनकी हत्या, उनको काटने के कि जो काटने के लिए जो सेल हुआ करती थी जानवरों की, उस जानवरों पर बैन लगा दिया था सरकार ने, तो उस बैन को वापस लिया है। और साथ साथ में क्या किया है, जो पुराने नियम थे जितने भी कानून मतलब जो बुरे ढंग से नियोजित थे, जो बुरे नियम थे जो सही नहीं व्यवस्थित किए गए थे उनको रिप्लेस किया है, साथ साथ ए फ्रेश सेट ऑफ ड्राफ्ट रूल्स मतलब एक नए नियमों के प्रावधान से उसे बदल रही है गवर्नमेंट, ये मतलब सेंटर ऐसा प्रस्ताव लेकर के आई है। आइए देखते हैं फिर आगे, द ड्राफ्ट रूल्स मीन्स नियमों का जो आपका कलेक्शन है, जो प्रारूप है, आर नाउ ओपन, अब वो खुला है फॉर कमेंट्स एंड सजेशन मीन्स टिप्पणी और सुझाव के लिए खुला है, मीन्स प्रारूप दिया गया है, अब उसमें क्या है, सजेशंस मांगे गए हैं लोगों के, अब चाहे अपोजिशन पार्टी हो कोई भी व्यक्ति, वो सजेशन देता है, अगर वो समझ में आएगा तर्कसंगत लगेगा तो उसमें वो क्या है, इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो इसलिए उसे ड्राफ्ट रूल कहते हैं अभी, है ना। तो कमेंट्स और सजेशंस इनवाइट किए गए हैं सभी से। वहन द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब कहने का कि पर्यावरण, फॉरेस्ट मतलब जंगल या आप कह सकते हैं मतलब फॉरेस्ट हो गया, एंड क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो केंद्रीय मंत्रालय है, उनमें जब उन्होंने नोटिफाइड द रूल्स, जब उन्होंने रूल्स को नोटिफाई किया मतलब कहने का प्रस्तावित किया, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एक्ट PCA एक्ट के तहत जब उन्होंने नियम निकाले, ऑन मई 23 मई 2017 को, देयर वाज कंसर्न, तब एक चिंता थी, दैट इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिंग क्रुएल्टी, तो जो क्रुएल्टी को रोकने के नाम पर, प्रिवेंटिंग क्रुएल्टी, क्रुएल्टी मींस होता है क्रुएल्टी, निर्दयता को रोकने के
इन द नेम ऑफ, बहाने के नाम पर, किसके खिलाफ, टू एनिमल्स, जानवरों के खिलाफ, एंड रेगुलेटिंग लाइव स्टॉक मार्केट्स, मीन्स कहने का, और पशु के व्यापार, पशु की जो बाजार है, पशु बाजार को नियंत्रित करने के बहाने से, द गवर्नमेंट वाज, सरकार क्या कर रही थी, वाज सरेप्टिशियसली, चुपके से या गोपनीय ढंग से, थ्रॉटलिंग, गला घोट रही थी, द कैटल ट्रेड, मतलब पशु बाजार का, मीन्स कहने का कि सरकार क्या कर रही थी कि क्रुएल्टी, भाई कह रहे थे कि एनिमल के पर क्रुएल्टी कर रहे हैं, अगर पशु मतलब पशु को स्लॉटर हाउस में बेच रहे हैं, या फिर पशु बाजार पर नियंत्रण करने के बहाने से सरकार वास्तव में कर क्या रही थी, वो जो पशु व्यापार है उसका गला घोट रही थी, मतलब पशु व्यापार पर रोक लगाना चाह रही थी और उसको समाप्त करना चाह रही थी, एंड फर्दरिंग द बीजेपी काउ प्रोडक्शन एजेंडा, और जो बीजेपी का खुद का एजेंडा है, निजी स्वार्थ है, किस चीज का, गाय को बचाने का, है ना, कि अपनी पार्टी को बढ़ावा देना और उनका मेन लक्ष्य का टारगेट बन जाता है, काउ प्रोटेक्शन, सीप को काउ प्रोटेक्शन का बहाना लेते हैं, तो इसको भी बढ़ाने का, इसको भी डेवलप करने का, फर्दरिंग, इसको भी डेवलप करने का वो प्रयास कर रही थी गवर्नमेंट, ऐसा क्या था, देयर वाज कंसर्न, ऐसा माना जाता है, ऐसी चिंता थी, द रूल्स वेयर क्रिटिसाइज, जो नियम निकाले गए थे 23 मई 2017 को, इन वेयर क्रिटिसाइज, उनकी आलोचना की गई, फॉर रिस्ट्रिक्टिंग, किस लिए, फॉर रिस्ट्रिक्टिंग, रोकने के लिए, लेजिटिमेट एनिमल ट्रेड, जो संवैधानिक, जो कानून के संगत पशु पशु व्यापार है उसको रोकने के लिए इन सारे नियमों की क्या कही गई थी, आलोचना की गई थी, एंड इंटरफेरिंग, और किस लिए, इंटरफेरिंग विद डाइटरी हैबिट्स, लोगों की खान पान की आदतों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही थी, कि बीफ खा रहा है, लोग पता लगा कि उसको मार डाला है ना, या उसे पिटवा दिया, ये सब चीजें थी, कई सारी पार्टीज थी जो मतलब का पार्टी क्या, बीजेपी के कुछ लोग थे जो मतलब ऐसे इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे थे, है ना, लेकिन बीजेपी सरकार क्या थी, पल्ला झाड़ रही थी, तो ये सब चीजें थी उस समय, आप न्यूज पेपर में पढ़ा ही होगा, तो वही सब इंक्लूड था, तो उसकी क्या आलोचना की जा रही थी उस समय, आइए देखते हैं, द न्यू ड्राफ्ट, जो नया प्रारूप है, मेक्स अ वेलकम डिपार्चर, वो वेलकम डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर रूल्स, वो पूर्व के नियमों से जो छुट्टी मिल रही है, डिपार्चर, उनकी विदाई हो रही है, इसका वेलकम करता है, मेक्स अ वेलकम, इसका स्वागत करता है, फिर से आप समझेंगे, द न्यू ड्राफ्ट, जो नया नियम का प्रारूप आया है, मेक्स अ वेलकम, वो स्वागत करता है, डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर रूल्स, मीन पहले के नियमों की विदाई का स्वागत करता है, मतलब पहले के नियमों को बदल करके अब नए नियम लाए जा रहे हैं, जो नया नया प्रावधान है वो स्वागत करता है इस बात का, अब आइए देखते हैं, सीकिंग, और प्रयास कर रहा है, टू प्रोवाइड ग्रेट रिलीफ, उपलब्ध कराने का, ग्रेट रिलीफ, बहुत बड़ी राहत, टू बायर्स, खरीदारों को, ऑफ एनिमल्स, जानवरों को, मींस कहने का, जो नया ड्राफ्ट है वो पुराने ड्राफ्ट की विदाई का स्वागत करता है, मतलब उसको हटाता है, और साथ में लोगों के लिए, बायर्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की खरीदारी करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत उपलब्ध करा रहा है, और कैसे, फ्रॉम कम्बरसम पेपर वर्क, मतलब बहुत ही बोझिल पेपर वर्क, लिखा पढ़ा जाने वाला कार्य, उससे भी छुट्टी दिला रहा है, एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, और जो प्रक्रियात्मक आवश्यकता है कि हमें आप ये करना पड़ेगा, जानवरों को बेच रहे हो, डाटा तैयार करो, फाइल मेंटेन करो, रजिस्टर मेंटेन करो, है ना, नोट करो कि कौन से जानवर कितने कहाँ गया है, किनका क्या ट्रांसपोर्ट, मतलब किस उद्देश्य से, पशुपालन के उद्देश्य से भेजे जा रहे हैं, कि पता लगा कि काटने के लिए भेजे जा रहे हैं, तो ये सब चीजें मेंटेन करनी थी, तो उन सबसे क्या थोड़ा सा राहत मिलेगी नए नियमों के अनुसार, ये बताना चाह रहे हैं, सम डिस्टेंस स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ दूरी संबंधी जो कंडीशंस थी वो, टू कर्व, किस लिए, टू रोकने के लिए, इंटर स्टेट मीन्स एक राज्य से दूसरे राज्य, एंड क्रॉस बॉर्डर, और एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर के मूवमेंट ऑफ एनिमल, जानवरों का आवागमन या चलन, आर टू बी ड्रॉप, इनको भी कम किया जाना है, मतलब क्या था कि अभी तक एक राज्य से दूसरे राज्य तक जानवरों को ले जाना है, ट्रांसपोर्ट करना, या एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक, यहाँ से बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट करना, या फिर और कहीं इंडोनेशिया में, इस तरह के बड़े मतलब विदेशों में जानवरों को भेजना, इन सब में भी बहुत ज्यादा क्या था, कड़ाई थी उस समय, तो अब उसमें क्या है, आर टू बी ड्रॉप, इनको भी थोड़ा कम किया जाना है, एज ऑल्सो रूल्स बारिंग एनिमल मार्केट्स विद इन 25, और इसमें ऐसे भी रूल्स हैं जैसे कि बारिंग एनिमल मार्केट विद इन 25 किलोमीटर ऑफ स्टेट बॉर्डर, राज्य के बॉर्डर के 25 किलोमीटर के दायरे में ही एनिमल मार्केट में आपको मतलब जो भी करना है क्रय विक्रय, 50 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, और इंटरनेशनल बाउंड्री से 50 किलोमीटर के अंदर ही करना है, उधर नहीं जाना है, इन सब में भी क्या है, थोड़ा सा टू बी ड्रॉप, इनमें भी कमी आएगी, ये सारे जो नियम है, द डिफिनेशन ऑफ एनिमल मार्केट, पशु बाजार की परिभाषा, विल नो मोर इंक्लूड, अब इसमें नहीं शामिल होंगे एनी लेनेज, कोई भी ऐसा स्थान, एलिनेज होता है एक ऐसा स्थान जहां पर स्लाटर कसाई खाने से मिले पशुओं को ले जाने से पहले वहां पर रोक के रखा जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या होता है, रेस्टिंग प्लेस एक तरह से कह सकते हो आप, तो उस रेस्टिंग प्लेस, और कहां, एडजॉइनिंग स्लाटर हाउस, जो कि एक कसाई खाने के बगल में होगा,
वहां पर क्या उसको अब इंक्लूड नहीं किया जाएगा एनिमल मार्केट, मतलब जो कसाई खाने के बगल में कोई जो रेस्टिंग प्लेस होता था जानवरों का, उसको अब पशु बाजार के रूप में नहीं शामिल किया जाएगा, उसे भी पशु बाजार नहीं बनाया जाएगा। देयर बाई इससे परिणाम क्या आएगा, रिजल्टिंग इन रिमूविंग कर्व्स ऑन द सेल ऑफ एनिमल इन द रेस्टिंग प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ ए मार्केट। मार्केट के आसपास जो रेस्टिंग प्लेस होता था वहां पर भी क्या होता था, सेल ऑफ एनिमल जानवरों की बिक्री हो जाती थी, क्योंकि वो क्या था, वो आपका एनिमल मार्केट के तहत इंक्लूड कर लिया जाता था। तो अब उस पर रोक, उस पर जो रोक थी रिमूविंग, वो हट जाएगी। मीन्स कहने का कि अभी तक क्या होता था कि एनिमल मार्केट जो थी उसके आसपास कोई लेरेज होता था, जहां जैसे कि कोई कसाई खाना है, कसाई खाने के बगल में कोई लेरेज है जहां पर जानवरों को रुका जाना है, तो अगर जानवर वहां पर भी है तो उनको बिक्री के लिए एनिमल मार्केट में शामिल कर लेते। लेकिन अब क्या है, अब उस लेरेज वाले स्थान को, मतलब जिस बार जानवरों को काटने के लिए ले जाना है, अगर उस जानवरों को लेरेज में रखा गया तो मतलब कहने का कि अब वहां पर उसको विक्रय विक्रय नहीं होगा, उसका फिक्स है कि उसे स्लॉटर हाउस में जाना है, ठीक है, कसाई खाने में जाना है। मीन्स कहने का अब वो वहां पर क्या है कि अब ऐसा नहीं कि कोई जानवर गया वहां पर तो वहां से भी बिक गया, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। ये इन्होंने थोड़ा सा डायल्यूट किया है रूल्स को। द ड्राफ्ट कंटेन्स जो प्रावधान है इसमें शामिल है गुड प्रोविजंस, अच्छे प्रावधान, मतलब ये जो प्रारूप है, सॉरी ये जो प्रारूप बना है नियमों का, इसमें कंटेंस ये शामिल करता है क्या, गुड प्रोविजंस, अच्छे प्रावधान है, अच्छे नियम है। इन द अर्लियर नोटिफिकेशन, पहले नोटिफिकेशन की अपेक्षा बारिंग जो कि बार रोकता है क्रुएल्टी इन द ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों के साथ निर्दयता और उनके ट्रांसपोर्ट, उनका एक जगह से दूसरी जगह भेजाना, भेजे जाना, इन सब में जो बार, इन सब में जो अवरोध लगा था, इन सब में जो रोक लगी हुई थी, इसको क्या है, पहले नोटिफिकेशन की अपेक्षा इसमें अच्छे प्रावधान बनाए गए हैं इन सभी मामलों के लिए, ये कहने का मतलब है। आइए आगे देखते हैं। द नोटिफिकेशन हैड सेट ऑफ ए स्टॉप लास्ट ईयर, जो नोटिफिकेशन पिछली बार आया था उसने एक सेट ऑफ स्टार्ट कर दिया, क्या, स्टॉर्म, एक तूफान खड़ा कर दिया, कब, लास्ट ईयर, पिछले साल। तो लास्ट ईयर क्या टाइम एडवर्ब हो गया, विथ कैसे, विथ सम चीफ मिनिस्टर, तो उसमें हुआ क्या था कि कुछ मुख्यमंत्री थे स्टूडेंटली बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने क्या अपोजिंग, विरोध कर रहे थे ऑन द ग्राउंड, अपोजिंग इट ऑन द ग्राउंड, इसका जमीनी स्तर पर, मतलब बिल्कुल वास्तव में इसका विरोध कर रहे थे जमीनी स्तर पर, मतलब शुरू से ही इसका विरोध कर रहे थे, है ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग। दैट ये किस लिए, दैट रेगुलेटिंग लाइव स्टॉक ट्रेड, मीन्स कहने का लाइव स्टॉक ट्रेड मीन्स पशु के व्यापार को नियंत्रित करना, रेगुलेटिंग लाइव स्टॉक ट्रेड वाज इसेंशियली, वो निश्चित आवश्यक रूप से स्टेट सब्जेक्ट, एक राज्य का मामला है, मतलब वो इस तर्ज पर बात शुरू से ही विरोध कर रहे थे कि आप पशु व्यापार पर नियम बना रहे हो, ये तो एक राज्य का मामला है, इसमें तो राज्य को गौर फरमाना है, राज्य को ही नियम बनाने हैं, ये राज्य का सभी चीफ मिनिस्टर का कहना था। इवन एज्यूमिंग दैट द सेंटर हैड, आई देखिए, इवन एज्यूमिंग दैट, भले ये भी मानते हुए दैट सेंटर हैड ज्यूरिडिक्शन अंडर द लॉ, कि मतलब सेंटर हैड ज्यूरिडिक्शन, अब यहाँ हैड क्या है, काजी स्टेट्यू वर्ब के रूप में यूज हुआ, हैड की जगह आप मेड पढ़िए, गेट पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कहने का कि सेंटर मेड ज्यूरिडिक्शन अंडर द लॉ, मीन्स कहने का जो केंद्र है उसने नियम बनाए, केंद्र नियमों के कानून के अंतर्गत नियम बनाए अगेंस्ट एनिमल क्रुएल्टी, और किसके खिलाफ, एनिमल क्रुएल्टी, जानवरों के प्रति जो निर्दयता होती है, जो क्रूरता होती है, उसके खिलाफ नियम बनाए। नोटिफाई द रूल्स, मतलब नोटिफाई द रूल्स, मतलब नियमों को प्रकाशित करने के लिए। इट वाज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था, दैट ओनली द स्टेट्स कुड इनफोर्स देम, कि केवल राज्य ही उन नियमों को लागू कर सकते हैं, ये इट वाज ऑब्वियस, स्पष्ट था, आपका वर्ड आया हुआ है ना एंटोनिम सिनोनिम्स में। विद द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडिंग स्टे ग्रांटेड बाय मद्रास कोर्ट, मद्रास कोर्ट, विद एक सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक्सपेंडिंग स्टे, उसने एक स्टे को बढ़ा दिया, ग्रांटेड बाय, और दिया किसके द्वारा, गया था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, इनटू ए नेशन वाइड बार, मतलब पूरे राष्ट्र स्तर की रोक पर, ऑन द रूल्स, नियमों पर, मींस कहने का जो नियम बनाए गए थे उस समय उस पर क्या हुआ था कि मद्रास कोर्ट ने स्टे लगाया था, कि भाई मद्रास पर्टिकुलर हाई कोर्ट क्या होता है, स्टेट लेवल का होता है, तो मद्रास कोर्ट ने स्टे लगाया, लेकिन जब वो बात सुप्रीम कोर्ट गई तो उसने मद्रास कोर्ट वाला जो स्टे था उसे ओवरऑल नेशन वाइड पूरे देश में लगाने को लागू कर दिया, ठीक है। एंड सम स्टेट्स, और कुछ राज्य कैसे थे, टेकिंग ए क्लियर स्टैंड, उन्होंने तो साफ सुथरा एक विचार रख लिया था, दैट दे वुड नॉट इंप्लीमेंट द रेगुलेशन, कि वो केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को इंप्लीमेंट, मतलब लागू नहीं करेंगे, उन्होंने साफ साफ कह दिया। द नोटिफिकेशन वाज ए नॉट स्टार्टर, मतलब एक कोई बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ वो नोटिफिकेशन, क्योंकि कोई मतलब बेनिफिट उससे हुआ ही नहीं, ये स्टे लग गया पूरे वाले नेशनल वाइड में। देयर वाज फर्दर कंसर्न, लेकिन फिर भी एक और चिंता थी, वेदर रेगुलेशन वुड एडवर्सली इंपैक्ट,
कि क्या ये जो नियम है एडवर्सली बुरी तरह से प्रभावित करेंगे, इम्पैक्ट प्रभावित करेंगे पुअर विलेजर्स मतलब गरीब गांव वालों को प्रभावित करेंगे ये नियम। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों सोचा जाता है कि गरीब गांव वालों को प्रभावित करेंगे। ऐसा क्योंकि एनिमल्स मार्केट्स आर प्रीडोमिनेटली जो जानवरों के बाजार होते हैं वो विशेषकर होते कहाँ हैं, इन द कंट्री साइड गाँव में ही होते हैं। इसलिए चिंता की जा रही थी कि क्या ये गरीब जो किसान है, गरीब जो गांव वाले हैं उनको क्या प्रभावित करेंगे। देर वॉज एन इम्प्रेशन, और एक यह भी भाव था दैट अंडर द गाइज ऑफ गाइज मतलब भेष भूषा है ना, वेशभूषा। तो कहने का मतलब यह भी एक भाव था कि अंडर द गाइज ऑफ स्टिफ रेगुलेशंस इन कड़े कानूनों कड़े नियमों के देश में द सेंटर वाज मेकिंग, केंद्र क्या कर रहा है मेकिंग इट पॉसिबल ये संभव कर रहा है फॉर कैटल जानवरों के लिए ये बात का क्या काम कर रहा है। अब ये कैटल है क्या, टर्म दैट कवर्स मतलब एक ऐसा शब्द जो जिसमें कवर होता है काव भी आ जाती है, बफेलो भी आ जाती है, बुल्स मतलब बैल भी आ जाते हैं और कैमल्स और ऊंट भी आते हैं, ये सारी जानवर जो है कैटल में आ जाते हैं। तो कहा जा रहा था कि कड़े नियमों के बेस में या कड़े नियमों के बहाने से केंद्र क्या कर रहा है मेकिंग इट पॉसिबल फॉर कैटल जानवरों के लिए टू बी स्लॉटर्ड इवन फॉर फूड भोजन के लिए भी उन्हें मारा जाए ये भी संभव कर रहा है केंद्र। डिस्पाइट किसके बावजूद, इसके बावजूद द पीसीए एक्ट जो प्रिवेंटिंग ऑफ क्रुएल्टी फॉर एनिमल एक्ट है रिकॉग्नाइजिंग एक्सप्लिसिटी वो उसे और लिखा क्या रहा है एक्सप्लिसिटी मतलब स्पष्टता दैट कैन एनिमल कैन बी फूड फॉर ह्यूमन कि जानवर क्या है भोजन हो सकते हैं। तो एक तरफ तो उसने क्या किया रोक लगाई और एक तरफ ये एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के खिलाफ अब क्या कर रहा है स्पष्टता दिखा रहा है कि एनिमल्स कैन बी फूड फॉर ह्यूमन कि मनुष्य के लिए क्या कर सकते हैं मतलब ये भोजन बन सकते हैं ये चीज। द मीट ट्रेड जो मांस का व्यापार है वैल्यूड एट आगे देखिए द मीट ट्रेड जो मांस का व्यापार है वैल्यूड एट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज जिसमें हजारों करोड़ रुपए इन्वॉल्व होते हैं जिसकी कीमत हजारों करोड़ वाली रुपए में होती है वुड हैव सफर्ड ए सीरियस सेटबैक उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगता है। सेटबैक मीन्स पराजय होती है, सेटबैक मीन्स डिफीट है ना, तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है बहुत ही बड़ा उनकी पराजय होती हैड द रूल्स हैड यहाँ पर यदि पढ़ेंगे यदि द रूल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड अगर उन नियमों को लागू कर दिया गया होता। अब ये हैड हमने क्यों पढ़ा, आपने पढ़ा होगा है वो क्या होते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस, तो इफ से सेंटेंस होता है तो आगे वुड हैव आता है तो यहाँ वुड हैव आया है और यहाँ पर इफ की जगह आप जानते हो कि हम हैड भी कर सकते हैं तो वहीं पर इफ की जगह हैड कर दिया है। तो अब इसको उल्टा पढ़ेंगे इफ द रूल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड द मीट ट्रेड वुड हैव सफर्ड अ सीरियस सेटबैक अगर नियमों को लागू किया गया होता तो जो हमारा मीट ट्रेड था मांस का व्यापार था उसे बहुत बड़ा झटका लगता बहुत बड़ा नुकसान होता। इस तरह आपको मीनिंग पढ़नी है। एनी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी प्रकार का रूपांतरण फ्रॉम ए टेंडेंसी एक प्रक्रिया से टू एडवांस पेट मीन्स कहने का कि पशु को पालतू बनाने की प्रक्रिया काजेस टू वो उत्पन्न करेगी टू एन अप्रोच एक ऐसे विचार को बेस्ड ऑन इकोनॉमिक जो आर्थिक होगा एंड लीगल कंसिडरेशन और कानून के द्वारा विचार करने योग्य होगा वुड बी ए वेलकम चेंज और ये वास्तव में एक ऐसा परिवर्तन होगा जिसका स्वागत किया जाएगा। गुड गवर्नेंस जो अच्छा प्रशासन होता है अच्छा शासन होता है इज नॉट ओनली अबाउट इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता रेगुलेटिंग ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि हम मानव की मनुष्य की और आर्थिक गतिविधियों को ही नियंत्रित करें बट आल्सो बल्कि मतलब ये भी होता है अबाउट अवॉइडिंग परसेप्शन कि उन विचारों को हमसे हम बचे और सेक्टेरियनिज्म सेक्टेरियनिज्म होता है संप्रदायवाद जातिगत विचारों से भी हम बचे ये चीज होती है। देखो यहाँ पे नॉट ओनली आया नॉट और ओनली उसके बाद क्या आया अलाउड आया प्रीपोजिशन तो यहाँ पे क्या आया बट आल्सो की बात भी प्रीपोजिशन अलाउड आया नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और इनके बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अब क्वेश्चन बनते कैसे नॉट के बाद नॉट ओनली के पहले जैसे अलाउड लिख दिया अलाउड के बाद नॉट ओनली लिख देगा फिर यहाँ पर बट आल्सो के बाद अलाउड लिख देगा तो यहाँ नॉट ओनली के बाद रेगुलेटिंग आ गया यहाँ बट आल्सो के बाद अलाउड आ गया तो गलत हो गया। आपको यहाँ जैसे जैसे ही बट आल्सो जिसके बट आल्सो के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नॉट ओनली के बाद भी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए तो ये एरर का पार्ट बनते हैं। आपने एक भी स्पॉटिंग एरर किया होगा तो आपको पता होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा ये एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी समझ में आया होगा। इसी तरह बने रहिए हम ग्रामेटिकल पॉइंट जो भी आएंगे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आप पढ़ रहे हैं ग्रामर्स तो उसका आप कैसे यहाँ पे एप्लीकेशन देख पाएंगे है ना। तो इसी तरह बने रहिए कल फिर नए एडिटोरियल के साथ हम मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय।